अरे नहीं नहीं, इस बार डाकिया डाक के साथ बैंक भी लाया। भारतीय डाक आपके दरवाजे तक बैंक लेकर आ गई है। डाकिया डाक लाया के साथ साथ डाकिया बैंक भी लाया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB 1 सितंबर से अस्तित्व में आ चुका है। इस बैंक में 100% हिस्सेदारी सरकार की ही होगी। ये बैंक पेशेवर तरीके से संचालित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर तक देश के सभी 1,55,000 डाकघरों से IPPB को जोड़ना है। ये पोस्ट पेमेंट बैंक अब देश की बैंकिंग व्यवस्था को ही नहीं बल्कि डिजिटल लेन देन की व्यवस्था को भी विस्तार देने की ताकत रखता है, क्योंकि देश की आधी से भी ज्यादा आबादी अब भी बैंकिंग सेवा से वंचित है। इसलिए सरकार ने उन तक पहुंचने के लिए डाकिये को बैंक बना दिया है। 49,000 के आसपास बैंक ग्रामीण भारत में हैं और डाक विभाग की 1,30,000 शाखाएं और हमारे पोस्टमैन ग्रामीण भारत में हैं, तो ये 1,30,000 नए बैंक ग्रामीण भारत को हम देने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से इसके लिए डाकियों को ट्रेनिंग दी गई है ताकि मजबूत चलता फिरता बैंक बनाया जा सके। साथ ही हर नागरिक तक बैंक पहुंचाने के लिए कई जरिए भी ढूंढे गए हैं। जो भी हमारे जो गांव के लोग हैं जिनके पास पैसा होता है, तो कई बार बैंक दूर होने की वजह से वो जमा नहीं कर पाते या जा नहीं पाते, वो पैसे को अननेसेसरी कहीं खर्च कर देते। अब बैंक होने से क्या है कि एक बार ये बैंक में क्या है कि आपको किसी भी तरह से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है हमें, और एक अंगूठे के निशान से ही अकाउंट खुल जाएगा। बचत खाते के साथ चालू खाता खोलने की सुविधा मिलेगी। दूसरे शहरों से अपने घर में पैसे भेजने की सुविधा दी गई है। खाता धारक दूसरे बैंक खातों में भी पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। मनरेगा और दूसरी सरकारी योजनाओं के पैसे लेने की भी सुविधा है। बिजली और फोन के बिल जमा कराने की सुविधा भी IPPB में मिलेगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से लोन भी लिया जा सकेगा। निवेश और बीमा लेने की भी सुविधा IPPB में मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि IPPB के खाते से जुड़ी सारी जानकारी डाकिया ही दे देगा। आप ही का अंगूठा आपकी बैंक, आप ही का अंगूठा आपकी पहचान, आप ही का अंगूठा आपका कारोबार। बहुत ही सरल है, सिर्फ मुझे अपना आधार कार्ड देना पड़ा और मोबाइल नंबर बताना पड़ा, और एक मिनट से ज्यादा लगा भी नहीं है। मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर अकाउंट खुल के और मेरे पास QR कार्ड आ गया। मोबाइल पर एक बटन दबाने से भी बैंक में आपका बचत खाता खुल जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने टेक सेवी लोगों को ध्यान में रखकर डिजिटल सेविंग अकाउंट भी शुरू किया है। IPPB का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलने की खातिर आपको सबसे पहले IPPB मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, उसके पास आधार और पैन कार्ड होना भी जरूरी है। अगर आप ये तीनों शर्तें पूरी करते हैं तो आप ये खाता खुलवा सकते हैं। डिजिटल सेविंग अकाउंट्स को भले ही आप मोबाइल के जरिए खोल सकेंगे, लेकिन आपको खाता खोलने के 12 महीनों के भीतर KYC पूरा करना होगा। इस बार डाकिया डाक के साथ बैंक भी लाया।